वेलकम बैक बड़े गुरु। मैं आपका विकास अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे मल्टीमीडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आपको अभी बता देते हैं, रिजल्ट अभी आपका नहीं आया है, रिजल्ट आपका जल्दी आपको देखने को मिलेगा। टाइमिंग लग रहा है क्योंकि यूपी में आपके इलेक्शन चल रहे हैं इस समय, और सबकी ड्यूटी इस समय लगी हुई है। तो इस समय अभी कोई काम आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा, आपको पता होगा। तो उस चक्कर में आपका एग्जाम पेंडिंग है, लेट है आपका रिजल्ट। तो वेट करें, रिजल्ट आपका जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करें अगर आपको लाइक अच्छी लगे, और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जो भी लोग एग्जाम देने जा वाले हैं जुलाई में, वो इनको वीडियो को देख के काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए बात करते हैं किस प्रकार का मल्टीमीडिया आपका ओ लेवल का सिलेबस है और किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे आपके। तो कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें, तो इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया जो आपका 8 घंटे का कोर्स है, उसके बाद आपका कंप्यूटर फॉन्ट एंड हाइपरटेक्स्ट, काफ़ी सिंपल पेपर है, मैंने लेकिन आपको रिकमेंडेड नहीं किया है, मैंने आपको आईसीटी लेने को कहा, लेकिन जो लोग ले रहे हैं इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ऑडियो वीडियो में फंडामेंटल है, इमेज फंडामेंटल है, रिप्रेजेंटेशन 10 घंटे का कोर्स है, उसके बाद वीडियो एंड एनिमेशन है, और मल्टीमीडिया ऑथिंग टूल्स हैं आपके। तो इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। तो काफ़ी टॉपिक नहीं है, 6 टॉपिक हैं, और इनके जो अंदर के कंटेंट हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और टोटल आपका थ्योरी का बेस पेपर है ये, तो उसको ज़्यादा कोई डिटेल में आपको जाना नहीं है, बेसिक स्तर का नॉलेज आपको इसमें होना चाहिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको बनते हैं, और लास्ट में आपको वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताएंगे, तो उसको आप नोट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला चैप्टर नंबर है इसमें हमारा है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये आपका 8 घंटे का है। इसमें हमारा क्या क्या रहेगा, व्हाट इज मल्टीमीडिया, इसमें क्या है कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट यानी उसके पार्ट जो हो गए मल्टीमीडिया के, जितनी डिवाइसेस होती है मल्टीमीडिया की, आपके स्पीकर हो गया, ऑडियो डिवाइस हो गई, सारे मल्टीमीडिया पॉइंट जितने भी आपके डिवाइसेस हो गए वो उनके बारे में आपका होगा। वेब एंड इंटरनेट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, यानी इंटरनेट में जो मल्टीमीडिया जैसे यूट्यूब वगैरह हो गई, या कोई गाने वगैरह सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो या कोई ग्राफिक यूज़ करते हैं इंटरनेट पर, वो सारी चीज़ें इसमें आपके आ गई। फ्लैश चीज़ें आ गई, ट्रांसिशन फॉर कन्वेंशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया। उसके बाद है, तो ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन मल्टीमीडिया में, आपके इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं, जैसे जो मैंने आपको यहाँ बता दिया स्क्रीन पे, तो उसको आप देख लें। उसके बाद है कंप्यूटर फॉन्ट एंड हाइपर टेक्स्ट, ये आपका 10 घंटे का कोर्स है, चैप्टर नंबर सेकंड, इसमें से आप यूसेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया, यानी कि जो टेक्स्ट आप यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया में उसका क्या यूज़ है, फैमिली एंड फेसेस ऑफ फॉन्ट, फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फॉन्ट होते हैं, उसके नाम, आउटलाइन फॉन्ट हो गया, बिटमैप फॉन्ट हो गया, जेपीजी फॉन्ट, जो भी आपके फॉन्ट होते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी और उनकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, उसके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटरनेशनल करेक्टर सेट्स एंड हाइपर टेक्स्ट डिजिटल फॉन्ट एंड टेक्निक, तो इंटरनेशनल करेक्टर सेट आपका क्या है, हाइपर टेक्स्ट डिजिटल टेक्निक्स आपकी क्या है। तो लगभग आपका जो मल्टीमीडिया का टॉपिक है, इसी उसमें कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, बोल्ड हो गया, टैलिक, अंडरलाइन, ये जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं मल्टीमीडिया से रिलेटेड, ग्राफिक्स रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर होती हैं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर थर्ड पे, जिसमें आपका ऑडियो एंड फंडामेंटल है। तो इसमें आपके जितने भी ऑडियो की फाइल होती हैं, जैसे कि आपके MP3, MP4, जितने भी आपके वेव मिड, जितनी भी आपकी सारी आपकी फाइल होती हैं, वो उनके बारे में, उनके बैटमेट, उनके डेसिमल डेटा, उसका डेटा रेट क्या है, हाई रेट ऑडियो फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताने की, कितने बेस है, कितना ट्रेबल है, ये सारी चीज़ें, और उसका कितना किलो हर्ट्ज पर चल रही है, 120 की है, 128 है, 320 है, जाके इसके पार्ट होते हैं आपके अलग अलग, आपने देखा होगा जब कोई ऑडियो डाउनलोड करते हैं, तो वो चीज़ें हैं इसमें आपकी, ऑडियो के मिक्स करना, कटिंग करना, साउंड सिंथेसिस, मिडी फाइल, वेव फाइल आपकी हो गई, कंप्रेस करना उसको, ट्रांसमिशन ऑडियो इंटरनेट में, ऑडियो को ऐड करना, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, ऑडियो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज़ करना, तो ये बेसिक इसमें आपको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल से हैं, इन सबकी मैं क्लास लगाऊंगा हिंदी में, और इनके जो इनके नोट्स होंगे इंग्लिश में, वो आपको PDF वेबसाइट पर techguru.mobi पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आपका इमेज के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बेसिकली आपको यही 4-5 चैप्टर हैं, एक आपका इमेज का हो गया, ऑडियो का हो गया, वीडियो का हो गया, और ग्राफिक्स और फॉन्ट वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें है। उसके इसमें कलर आ गया सारे इमेज में आपके, कलर स्कीम क्या होता है, RGB कलर है, जितने भी कलर मॉडल हैं आपके वो इसमें हो गया, प्लेटर डिथरिंग टूल्स हो गया, 2D 3D इमेजेस हो गया इसमें, कंप्रेस करना इमेज को, बड़ी साइज है, उसका फाइल फॉर्मेट यानी कि JPG JPG, ये सारे PNG, ये सारी फाइल आपको पता होना चाहिए, इन सबके आपको नोट्स मिलेंगे।
इमेज प्रोसेसिंग आपके क्या है, कैन कैन यूज़ फोटोशॉप, यूट्यूब फोटोशॉप में यूज़ ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और वाइट बैलेंस आपका क्या है, ब्लैक एंड वाइट क्या है, उसके बारे में कल करेक्शन है, गामा करेक्शन हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गामा करेक्शन और डायनेमिक रेंज करेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि इमेज फाइल फॉर्मेट से, यानी कि इमेज फंडामेंटल से, वीडियो फंडामेंटल और ऑडियो, ये तीन आपका मल्टीमीडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको मल्टीमीडिया का पास करना है एक ही बार में। उसके बाद है हमारे पास वीडियो फॉर्मेट, तो मैंने आपको बताया, तो इसमें वीडियो के बेसिक्स, हाउ वीडियो वर्क किस प्रकार करती है, ब्रॉडकास्ट यानी कि लाइव वगैरह करते हैं तो उसके लिए वीडियो बफरिंग वगैरह, एनालॉगिंग और डिजिटल वीडियो क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग इस प्रकार से क्या है, उसके जो फॉर्मेट होते हैं, शूटिंग करते हैं आप, एडिटिंग करते हैं, यूज ऑफ एडोब प्रीमियम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वीडियो को कंप्रेस करना, उसके फाइल फॉर्मेट हो गया, वीडियो को कंप्रेस बेस्ड ऑन मोशन, और वीडियो के फाइल यहाँ पे देखिए MPG 1, MPG 2, MPG 4, MPG 7, MPG 21, और एनिमेशन सेल यहाँ पे क्या है, और कंप्यूटर एनिमेशन एंड मॉर्पिंग टूल। तो ये सारे आपके वीडियो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, वीडियो से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं, इतने ही आपके टॉपिक हैं इसमें, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास है जो इंपॉर्टेंट है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स है जो कि मल्टीमीडिया को ऑथरिंग करता है, माइक्रोमीडिया डायरेक्टर यानी फ्लैश, यानी कि फ्लैश फाइलों को यूज करने में इसका काम है ऑथरिंग करना, यानी कि जैसे कंपाइल करना होता है आपका प्रोग्राम में उसी प्रकार से इसको ऑथरिंग करना, डीथरिंग करना उसको कहते हैं। तो इसमें एक बात है मिक्सिंग वगैरह करना फ्लैश वगैरह को, ये आपका मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर है जिससे आप फ्लैश वगैरह फ्लैश फाइलें बनाते हैं। आगे चलते हैं, तो इसमें आपको जो बुकें मिलती हैं जो रिकमेंडेड हैं बुक एनएलटी की तरफ से वो आप इसमें दे सकते हैं, ते वागुन मल्टीमीडिया मार्क वर्किस MC ग्रिल की 2008 की, उसके बाद है रजनीश अग्रवाल 2017 डेली की, ली एंड्रयू फंडामेंटल मल्टीमीडिया पर्सन, ये आप मेन रीडिंग के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको थ्योरी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए बुक जरूर परचेज करें, जो इसने बुक दी गई बेस्ट बुक हैं, अच्छी बुक हैं, आप चाहते तो इसमें से MC ग्रिल की बुक आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद है इसमें पारेख पारेख रंजन की पब्लिक से MC ग्रिल की काफ़ी बुक अच्छी हैं, ये अगर आपको पढ़ना ही है डिटेल में जानना है इसके बारे में तो ये आप बुक परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बुक हो गई और ये नोट्स हो गए, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं, तो आपको ले चलते हैं, अब ये इसको देखते रहें मैं आपको बोल दे रहा हूँ, और अलग से क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 और 10 नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 2, 3, 5 वाले में कम से कम 8 से 10 लाइनें लिखनी है, और 5 से ऊपर का नंबर क्वेश्चन तो 1 पेज से 1.5 पेज आपको आंसर लिखना है। और कुछ क्वेश्चन और नोट कर लें, जैसे कि फ्लिकर क्या है, एंटी एलाइसिंग क्या है, डीथरिंग टूल्स क्या है, ट्विनिंग क्या है, ऑथरिंग सिस्टम क्या है, JPG कंप्रेशन, रिवोल्यूशन, 2D 3D एनिमेशन, लॉसी एंड लॉसनेस टेक्निक, सेल एनिमेशन, JPG, GIF, PNG, BMP, साउंड कार्ड आपका क्या है, वीडियो कैप्चर डिवाइसेस क्या है, स्कैनर आपका हो गया इसमें, MPEG, पैथ एनिमेशन, मॉर्फिंग टूल, और लॉन्ग की बात करें तो 5, 6, 7, 8 इसमें 2 से 2.5 पेज आपको लिखने हैं। तो इसमें आपका आएगा एक्सप्लेन डायनेमिक रेंज ऑफ गामा करेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज कोडेक आपका क्या है जो कि आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट में यूज होता है, एक्सप्लेन हाउ टू कोडेक फंक्शन एंड व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ टिपिकल साउंड कार्ड, एक्सप्लेन ब्रीफली यानी कि संक्षेप में इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें आपको 2 पेज का आंसर है कम से कम। तो टिपिकली कंटेंट ऑफ साउंड कार्ड जो आपका होता है, साउंड डिवाइस होती है, ड्राइवर होते हैं, वो आपका क्या है और बेसिकली वो किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन, वीडियो कंप्रेशन के फॉर्मेट क्या है, तो वीडियो कंप्रेशन जितने भी आपके वीडियो के फॉर्मेट हैं उनको कंप्रेस करना वो आपको इसमें लिखना है। एक्सप्लेन दी डिटेल दी एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी मल्टीमीडिया का एजुकेशन में क्या तात्पर्य है और क्या बेनिफिट है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है मल्टीमीडिया के एजुकेशन में, वो आपको इसमें बताना है। तो उसमें आराम से आप आंसर लिख सकते हैं, अगर मैं सारे आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा डेली आपको प्रोवाइड करूंगा, सिलेबस क्लास जो 3 महीने पहले लगाई जा रही है, तो वीडियो को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।